हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो क्लास थी हमारी, वो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कराया था जूलॉजी में। चैप्टर 2 में हमने आपको इस चैप्टर का जो किस तरीके से उसको डिवाइडेशन किया गया है उसके बारे में हमने बताया था। मीन्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 5 जगत प्रणाली को बताया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बताया था, जिसके अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल या एनिमेलिया और प्लांटी, ठीक है, इन सब भागों में इसको डिवाइड किया गया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 2 में जो हमारा टॉपिक है वो किंगडम मोनेरा से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि फर्स्ट किंगडम है। ठीक, क्या है किंगडम मोनेरा? किंगडम मोनेरा क्या है, जिसे हम जगत मोनेरा भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जगत मोनेरा। इसके अंतर्गत जो यूनिसेल्युलर जीव होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वे सारे जीव इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो इसमें हम आपको जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसकी स्टडी कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती है। सब मोनेरा में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, इसके अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितने भी जीव आते हैं, वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब केवल इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। और सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है, जितने भी एनिमल्स होते हैं वे सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल में बताया कि जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो सारी चीज़ होती है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट तो होता है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो आभासी न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब सत्य न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल का अभाव होता है, क्लोरोफिल ना पाए जाने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अर्थात ये जो होते हैं वो दूसरों पर ही निर्भर होते हैं, अर्थात ये सैप्रोफाइट हम कह सकते हैं, सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें जितने भी, क्योंकि ये क्या है, इसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है, अगर हम बात करें तो ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, मींस इसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें एब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो इसमें जो हिस्टोप्रोटीन प्रोटीन होती है, प्रोटीन में हिस्टोप्रोटीन और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें जो फ्लैजला होता है, फ्लैजला भी अनुपस्थित होता है, फ्लैजला नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स, लेकिन इसमें क्या होते हैं, 70S, टू टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, एक 80S होता है और एक 70S होता है। तो इस जो मोनेरा जगत में है उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कहीं भी इस जगत के जितने भी एनिमल्स हैं या हम ये कहें ऑर्गेनिज्म हैं, वे कहीं भी निवास कर सकते हैं, मीन्स जल थल स्थल और गर्म जल के झरनों में भी करीब 70-78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सह सकते हैं, या बर्फ पर भी ये आसानी से पाए जाते हैं, आसानी से व्याप्त होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या है, जीवों को आर्किबैक्टीरिया या आजीव भी कहते हैं। ठीक है, जो मोनेरा जगत के जीव हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्किबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है, वीटीकर के अनुसार इन्होंने क्या किया था, इसको वीटीकर ने ही, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था वीटीकर ने इस 5 जगत प्रणाली को विकसित किया था और इसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जीवाणु। ठीक है, अब हम जीवाणु के बारे में या बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया या जीवाणु? अब जीवाणु प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, मींस एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि अपने मोनेरा जगत के कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, सेम इसी तरीके से इसमें भी होता है। ठीक है, क्या है इसमें, ये क्या है, बहुत ही अति सूक्ष्म हैं, जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक है, जीवाणु लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। अब अगर हम इसकी खोज की बात करें तो इसकी सर्वप्रथम खोज
किसने करी थी? हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने करी थी। ठीक है, इसकी अगर हम इन्वेंशन की बात करें, खोज की बात करें, तो खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसकी? जीवाणु की, बैक्टीरिया की खोज की थी और बैक्टीरिया के बारे में पूरी जानकारी दी थी, बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कराया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम और बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है, ये एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर जीव हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनकी जो प्रकृति होती है वो बहुत ही जटिल प्रकार की होती है। नेक्स्ट बात करें, जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक जो होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, ये भी क्या होते हैं? सारे ऑर्गन अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या है, जो राइबोसोम्स की संख्या होती है वो राइबोसोम्स 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और स्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें जनन की बात करें तो इसमें जो जनन प्रक्रिया होती है वो क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में जैसे विखंडन, खंडन विधि, मुकुलन द्वारा, कई सारे इसके अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। इसमें लैंगिक जनन जो होता है प्रायः अनुपस्थित होता है, मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये जीवाणु जो होते हैं इसकी अगर हम प्रकृति की बात करें तो इसका नेचर क्या है? ये सर्वव्यापी है, सभी जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम माप की बात करें तो इसकी जो माप होती है वो 0.5 से 1 म्यू तक होती है। ठीक है, इसकी अगर हम माप की बात करें तो क्या है, 0.5 से 1 म्यू तक इसकी माप होती है, ये इतने बड़े होते हैं। अगर चौड़ाई की बात करें तो 15 से 20 म्यू तक ये चौड़े होते हैं और कुछ सेंटीमीटर तक लंबे भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके शेप एंड साइज की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, इसके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कोकस की बात करें तो कुछ इस तरीके की शक्ति पाई जाती है, इस तरीके की संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये कोकस जीवाणु होता है। ठीक, अगर हम डिप्लोकोकस कहें, ये हमारा क्या है? कोकस। ठीक है, ये क्या है? जो शेप होता है उनकी नाप है, उसकी माप है। ठीक है, डिप्लोकोकस की बात करें तो इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। इस तरीके के जो पार्ट होते हैं वो हमारे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहलाते हैं, डिप्लोकोकस। ठीक है, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। कुछ जो होते हैं वो बैसिली लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या बोलते हैं उसको? बैसिली। ठीक है, बैसिली मतलब कुछ इस तरीके की संरचना प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बैसिलस फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, बैसिली कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, तो कुछ सर्पिल क्रम के होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्पोरियस होते हैं। ठीक है, मतलब स्पोर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, कुछ कॉमा के आकार के, जैसे कॉमा लगता है, तो इस प्रकार के भी जीवाणु उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ की अगर हम बात करें तो जो कुछ जीवाणु होते हैं वो इस तरीके से सर्पिल क्रम में भी प्रेजेंट होते हैं, जो एक दूसरे से हम ये कहें या तो कि एक दूसरे से जुड़े हुए या गुथे हुए पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके की संरचना भी कुछ जीवाणुओं में पाई जाती है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं जो कि अलग अलग स्थानों पर व्याप्त होते हैं, अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम एक जीवाणु की संरचना की बात करते हैं, अगर हम एक जीवाणु की संरचना की बात करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर एक जीवाणु में पाई जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर जीवाणु में प्रेजेंट होती है, जो यहाँ से एक पूंछ जैसी संरचना निकली होती है। ठीक है, इस तरीके से पूंछ जैसी संरचना निकली होती है और यहाँ पास ये हमारी जो वॉल होती है। ठीक है, जैसे कि हम और भी सेल में पाए जाती है जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, इसी तरीके की इसमें भी स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। ठीक, इसके अंदर एक बड़ा सा होल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई कहलाता है। उसके बाद
ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, ये हमारा क्या पार्ट कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है। और उसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, मीन्स एक झिल्ली के आकार की संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ द्रव भरा होता है, लिक्विड पार्ट भरा होता है, ये लिक्विड पार्ट जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो एरिया एक पूछ के समान जो संरचना होती है, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं, फ्लैजेला। ठीक है, ये जो पूछ के समान संरचना, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको हम फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे बाहरी जो कवर होती है, यही हमारी क्या होती है, सेल वॉल कहलाती है। ठीक है, ये जो सबसे बाहरी लेयर है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक जीवाणु की संरचना पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर एक जीवाणु में प्रेजेंट होती है। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें हमने आपको सेल वॉल बता दिया है। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है, जो कि जितने भी बाहरी अगर कोई भी आघात हो रहा है, कोई फोर्स या कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है, तो उससे अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी रक्षा करने का काम करती है। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। कुछ सूक्ष्म बिंदु होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अब अगर हम प्रकार की कहें तो कुछ दो प्रकार के राइबोसोम जो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होती है, इनकी अगर हम कोशिका की भित्ति, अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका भित्ति कुछ पतली होती है, जबकि ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका भित्ति कुछ मोटी होती है। ठीक है, अगर हम इसमें और बात करें कि म्यूरिन लगभग 70-80% तक होता है। ठीक है, मतलब क्या है, पेप्टिक ग्लाइकन जिसे हम कहते हैं, और उसमें जो पेप्टिक ग्लाइकन होता है उसमें केवल 10-15% ग्राम निगेटिव में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसमें जो मीजोसोम होते हैं, मीजोसोम्स वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मीजोसोम्स की संख्या कम होती है। ठीक है, और इसकी कोशिका भित्ति में टेकोइक अम्ल पाया जाता है, जबकि जो ग्राम निगेटिव होते हैं उनमें टेकोइक एसिड जो होता है या टेकोइक अम्ल होता है वो अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसमें जो प्रोटीन होती है वो लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो कि अर्धपारगम में झिल्ली की संरचना होती है। ठीक, और इसके कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म में जल होता है। ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है, एमिनो एसिड पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसकी संरचना में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा डिटेल इसकी हो जाती है, मतलब जो भी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, सभी का कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण काम होता है। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है उसमें राइबोसोम्स जो होते हैं, आरएनए होता है, आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और न्यूक्लियाइड की अगर हम बात करते हैं, तो जीवाणु कोशिका में जो न्यूक्लियस, हमने पहले ही बताया है कि जो न्यूक्लियस होता है वो पूर्ण रूप से विकसित केंद्र नहीं पाया जाता है, जिसके कारण और सारे जो अंग होते हैं वो भी अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब जीवाणु में पोषण की अगर हम बात करते हैं, जीवाणु में पोषण कैसे होता है, जैसे बहुत सारे जीवाणु होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप से पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक, तो जीवाणु में पोषण की प्रक्रिया की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी जिसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पहला जो पॉइंट हमारा है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन जो बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहते हैं। उसमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन क्लोरोफिल से मिलता जुलता एक पार्ट पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, एक वर्णक पाया जाता है जो कि कैसा होता है, बैंगनी या लाल कलर का होता है। ठीक, जो कि अपना भोजन बनाने में बहुत ही सहायक होते हैं। इसके बाद दूसरे पॉइंट की हम बात करें
तो दूसरा पॉइंट है रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या होते हैं, कुछ जीवाणु कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त जो एनर्जी होती है, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो लवण होते हैं प्राप्त होते हैं पदार्थ होते हैं, उनसे क्या करते हैं, उनका उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनमें वर्णों की किसी भी प्रकार के जो पिगमेंट होते हैं या वर्णक होते हैं उन पिगमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया में कई सारे होते हैं, जैसे नाइट्रिकारी या नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, मतलब जिनमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है, सल्फर की अधिकता होती है, हाइड्रोजन जीवाणु होते हैं, आयरन बैक्टीरिया होते हैं, तो इस तरीके से इनमें पोषण की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है हेटरोटॉपिक जीवाणु, हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया जिसे हम विषम पोषी बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो वे बैक्टीरिया जो अपने भोजन के लिए परजीवी की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है, मतलब एक पैरासाइट की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं न बनाकर वो दूसरों से भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी या विषम पोषी बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, परजीवी में जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, परजीवी बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम होते हैं, ये सारे जो होते हैं वो परपोषी के रूप में मतलब दूसरों के ऊपर रहकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक, कुछ सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम पौधों की जड़ों में उपस्थित होकर, ठीक है, पौधों की कुछ जड़ें होती हैं, लेग्यूमिनी जो फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी, उसकी जड़ों में मतलब जिसमें लेग्यूम का निर्माण होता है, मतलब जो फली वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कुछ जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, और वहाँ पास से क्या करते हैं अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, और जटिल कार्बनिक यौगिकों को उसको क्या करते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़कर अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, जैसे बैसिलस माइकोइंडिस तथा बैसिलस रोमोसस, ये हमारे क्या है, ठीक है, इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, अब नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करने वाले भी जीवाणु बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम जीवाणु के बारे में ही आपको डिस्कस कराएंगे, उसमें जो जनन होता है वो किस प्रकार होता है आगे इसके डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, हैव अ गुड डे।